में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां रिटायर्ड सूबेदार के बैग में रखे 1 लाख रुपए सहित 3 सातीर नाबालिग चोरों ने मौका पाकर बैग पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को अंजाम उस समय दिया जब पीड़ित सूबेदार अपना नोटों से भरा बैग पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर रखकर किसी परिचित से बातचीत में व्यस्त हो गया। जब सूबेदार का बैग पर ध्यान गया तो बैग काउंटर पर से गायब मिला। वहीं चोरों का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसकी शिकायत सूबेदार ने थाने पहुंचकर पुलिस से की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर थाना क्षेत्र इलाके के कोटेश्वर निवासी जनार्दन सिंह पुत्र मान सिंह राठौर सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। उनका कोटेश्वर तिराहे के पास स्थित डाक खाने में बचत खाता है। उन्हें घर में किसी काम के चलते 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए वह रकम निकालने डाक खाने पहुंचे थे। डाक खाने से पैसे निकालकर बैग में रख लिए हैं, लेकिन उसी दौरान मान सिंह ने एक परिचित उन्हें मिल गया तो वह काउंटर पर बैग रखकर उनसे बात करना शुरू कर दिए। लेकिन उसी दौरान डाक घर पर आए 3 नाबालिग चोरों ने काउंटर पर रखा बैग चोरी कर वहां से भाग निकले। मान सिंह ने पलट कर देखा तो काउंटर से बैग गायब था। बैग गायब होते ही सूबेदार मान सिंह ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले ही चोर बैग चोरी कर वहां से भागने के लिए थे। पुलिस ने पीड़ित सूबेदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। डाकघर के आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए तो बैग चोरी कर बाइक पर भागते 3 नाबालिग चोर कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से रकम निकालने पहुंचे सेवानिवृत्त सूबेदार का 1 लाख रुपए चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है। चोरों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है।